फतेहाबाद के रतिया इलाके में किसानों ने ट्यूबवेल कनेक्शन न मिलने के चलते बिजली मंत्री रंजीत चौटाला का पुतला फूंका। किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसान एकत्र हुए और बिजली मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों की गल ना सुन वाला प्रशासन मुर्दाबाद, किसानों ना तो खेचाई नहीं चलेगी। किसान नेताओं का कहना है कि बिजली निगम के द्वारा किसानों से फीस के नाम पर मोटी राशि पहले ही भरवा ली गई है। किसानों के द्वारा ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर अपने खेतों में बोर भी करवा लिए गए, लेकिन अब किसान ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर लगातार चक्कर लगा रहे हैं। किसान संघर्ष समिति के सेक्रेटरी मनदीप सिंह ने बताया कि बिजली मंत्री के द्वारा किसानों के साथ धोखा किया गया है। ये ट्यूबवेल कनेक्शन देने के लिए किसानों से पिछले साल दो तीन लाख रुपए प्रति किसान से बढ़ा दिए गए 2018 में, मतलब 2018 से लेकर 20 आ गई है। अंदाजा लगाओ भी जिस किसान ने कर्जा उठा कर ये पैसे भर दिए, मगर उसको ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। और अभी बिजली मंत्री ने कहा था कि हम 20 फरवरी के महीने में किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दे देंगे, मगर हालात ये हैं कि 5 ट्यूबवेल कनेक्शन अभी तक जारी किए रतिया के अंदर। 82 लोगों ने पूरे पैसे भर रखे हैं, मोटर के पैसे भर रखे हैं। पहले तो जो शर्तें लगा रखी है अनाप शनाप, मतलब मोटरें भी सरकार की मर्जी से हम खरीदेंगे उसके पैसे, क्योंकि जिम्मेदार पहले किसान पुरानी मोटर लेकर भी काम चला लेता था। ट्यूबवेल कनेक्शन देने से पहले बोर लगाए किसानों ने, लाखों रुपया किसानों ने लगा दिया, मगर ट्यूबवेल कनेक्शन से पाइपलाइन की भी शर्त लगाई गई। हर पूरी किसानों ने शर्तें भी पूरी कर रखी है, मगर ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं सरकार दे रही। और यहाँ के अधिकारी भी कुंभकर्ण की नींद सोए सोए हुए हैं। कल हम एससी से मिलने के लिए फतेहाबाद गए, एससी साहब हमारे को काफ़ी टाइम बाहर बैठाए रखा, मगर वो किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थे। आज हम यहाँ बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का पुतला फूंक के कनेक्शन लेने की जो लड़ाई की शुरुआत करेंगे, और हरियाणा के अंदर करोड़ों रुपया जो है किसानों का सरकार ने हड़प रखा है, इस जल्दी कनेक्शन मिले इसलिए इस लड़ाई को आज शुरुआत कर रहे हैं। अभी ये कोरोना वायरस का भी चक्कर है, इसमें हमने ज़्यादा ही लोग नहीं बुलाए, थोड़े लोग ही आज हमने पुतला जलाया रणजीत सिंह चौटाला का। और अगला आगामी जो है 31 मार्च के बाद कनेक्शन के लिए हम सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे।